हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th SST स्टूडेंट्स। एज यू नो वेरी वेल इन SST टुडे वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब चैप्टर नंबर 3 इन हिस्ट्री द सल्तनत पीरियड। एज यू नो वेरी वेल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर इन क्लास। सोर्सेज, सल्तनत पीरियड के जो सोर्सेज थे, कहाँ से हमें सल्तनत पीरियड की जानकारी मिलती है, इसको हमने लास्ट क्लास में ही डिस्क्राइब कर दिया था। एंड स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से 1210 के बीच में जिसका शासन रहा। इसके बाद था शमसुद्दीन इल्तुतमिस, 1211 से 1236 के बीच का जो शासन था, इसको भी हम डिस्कस कर चुके थे। रजिया सुल्तान, 1236 से 1240 के बीच में इसने शासन किया। नेक्स्ट आए थे इसके बाद था आपका पीरियड फ्रॉम 1240 से 1266 के बीच में, नसीरुद्दीन महमूद का जो शासन था। यहाँ तक हम क्लास में डिस्कस कर चुके थे, इसके आगे का डिस्कस करेंगे आज। जियासुद्दीन बलबन, 1266 से 1286 के बीच में इसका शासन रहा। बलबन वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। ही हैड बीन एन इम्पॉर्टेंट नोबल सिंस द रीन ऑफ इल्तुतमिस एंड वॉज द रियल पावर बिहाइंड नसीरुद्दीन महमूद। बलबन जो था वो बहुत सबसे ज़्यादा ताकतवर स्लेव डायनेस्टी का शासक था। उसने बहुत सारे ऐसे परिवर्तन किए अपने शासनकाल में, और इल्तुतमिस की का जो रियल पावर था वो उसी के पास था। बलबन रिऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रेंथ आर्मी। बलबन ने दोबारा से आर्मी का रिऑर्गेनाइजेशन किया और उसकी ताकत को बढ़ाया। ही फॉट अगेंस्ट द लोकल रूलर्स एंड डिफीटेड मैनी ऑफ देम। ही आल्सो गार्डेड द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स अगेंस्ट मंगोल रेड्स। बहुत से शासकों से उसने लड़ाई की, उनको हराया भी, और इसके बाद जो मंगोल रेड्स थे उससे अपने शासन को सुरक्षित किया जो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पर फैले हुए थे। बलबन वांटेड द पीपल टू लुक अप टू द सुल्तान। ही इंट्रोड्यूस्ड द पर्शियन कस्टम्स ऑफ द सजदा, पैबोस और जमीदा, जमीन बोस। People were against this as they felt such customs were reserved for God alone. Discuss में है, why did Balban introduce these two customs? Balban ने ये दोनों customs को क्यों लागू किया? And Balban successors were weak. 1290 the Khalji nobles captured the throne of Delhi. 1290 में Balban का जो शासन था वो कमज़ोर पड़ गया, उसके जो successor थे वो कमज़ोर हो गए, जिसकी वजह से ये खालजी नोबल्स के द्वारा इनकी गद्दी को हथिया लिया गया। इसके बाद आता है आपका खालजी डायनेस्टी। खालजी सुल्तान्स रूल फॉर 3 decades, 3 दशक तक इन खालजी वंश के शासकों ने शासन किया और उन्होंने अपने राज्य को आगे बढ़ाया। इसके बाद फिर से सुल्तान असेंडेड होते हैं, एंड जलालुद्दीन फिरोज खालजी 1290 से 1296 के बीच में। जलालुद्दीन वॉज द वीक रूलर्स। ही अडॉप्टेड अ लीनियंट पॉलिसी टूवर्ड्स द मंगोल्स एंड मैरिड वन ऑफ हिज डॉटर टू उलुग खान द मंगोल लीडर। जो जलालुद्दीन था एक कमज़ोर शासक था। He adopted the lenient policy towards the Mongols and married one of his daughter. उसने मंगोलों की शक्ति को पहचाना, मंगोलों की शक्ति के सामने लोहा नहीं लिया और अपनी एक बेटी का विवाह मंगोल लीडर से कर दिया, जिसका नाम था उलुग खान। जलालुद्दीन was succeeded by his nephew अली गर्सप, who took the title of अलाउद्दीन। जलालुद्दीन का जो बेटा भतीजा था अली गर्सप, उसने
इस शासन को आगे बढ़ाया और बाद में वो अलाउद्दीन के टाइटल से पॉपुलर हुआ, अलाउद्दीन खलजी 1296 से 1316। द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज अलाउद्दीन खलजी। इस डायनेस्टी का जो सबसे ताकतवर शासक था वो अलाउद्दीन खलजी ही था। ही वॉज एन एम्बिशियस रूलर। सून आफ्टर कमिंग टू पावर ही सेट अबाउट हिज गोल ऑफ एस्टेब्लिशिंग एन ऑल इंडिया एम्पायर। वो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। शीघ्र ही जैसे उसके हाथ में ताकत आई और उसने अपना ये गोल बना लिया कि पूरे भारत में अपना साम्राज्य फैलाना है। इसके बाद आता है आपका एक्सपेंशंस ऑफ द एम्पायर। एम्पायर किस तरीके से बढ़ता है, तो अलाउद्दीन कंक्वर्ड गुजरात मालवा। दिस गेव हिम कंट्रोल ओवर द वेस्टर्न सीपोर्ट्स बिटवीन 1301 एंड 1303। ही कंपेन्ड इन राजस्थान एंड कैप्चर्ड द फोर्ट्स ऑफ रणथंभौर एंड चित्तौड़ फ्रॉम द राजपूत।